हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वन टॉपिक ऑफ सीपीसी द नेम ऑफ द टॉपिक इज जुरशन ऑफ द कोर्ट व्हिच इज मेंशन अंडर सेक्शन नाइन ऑफ द सीपीसी सो जुरस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट वी कैन डिवाइड इंटू थ्री पार्ट टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन पैक्यूनरी एंड सब्जेक्ट मैटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब कोर्ट जो है कितने दायरे कितने एरिया के जो मैटर होंगे उनके ऊपर सुनवाई कर सकती है पैक्यूनरी मतलब कितने रुपए तक का मामला सुनवाई कर सकती है सब्जेक्ट मैटर मतलब मामला क्या है वो लेबर कोर्ट से रिलेटेड है फैमिली कोर्ट से है एनवायरमेंटल कोर्ट से रिलेटेड है लाइक दैट सेक्शन नाइन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स ए ओपनिंग गेट टू द सी पी सी ठीक है यदि कोई भी मैटर जो है कोई सूट है वो ना सेक्शन नाइन में लाइन नहीं करेगी तो मैटर आगे सी पी सी में एंट्री नहीं कर सकता ठीक है तो अब सेक्शन नाइन क्या है सेक्शन नाइन से द कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर एंड कंटेंट हैव जोरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देर इज ईदर एक्सप्रेसली और बार्ड मतलब क्या कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है या फिर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल इट्स ए लेस्लेटिव मैंडेट लेट द वर्ड इज इंसर्टेड एज सेल सेल का मतलब है कि मैंडेटरी और बाउंड टू एंटरटेन मतलब जो कोर्ट होगी वो बाउंड है टू एंटरटेन किस को किस चीज़ को एंटरटेन करने के लिए ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर जितनी भी सिविल नेचर की जितनी भी सूट होंगी उनको बाउंड उनको एंटरटेन करने के लिए बाउंड है कोर्ट लेकिन इसके अंदर अब ये उन्होंने ये डाल दिया कि जो लेटेस्ट फॉर्जी ये सिविल नेचर की सारी सूट हैं ठीक है ये सूट हैं सारे सिविल नेचर की हैं लेकिन अब इन्होंने ये डाल दिया कि इस सूट के अंदर यदि कोई चीज़ ये यह यहाँ पे जो ये एरिया है इसमें बार कर दिया कोर्ट को कि इस एरिया को कोर्ट नहीं सुन सकती वो एक एरिया क्या है यदि कानून ने उसको एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार कर रखा है तब उसके ऊपर कोर्ट जो है अपनी सुनवाई नहीं करेगी तो इसके दो एसेंशियल पहला ऑल ऑल सिविल सूट ये हमारा जनरल रूल है किसी जितने भी सिविल सूट होंगी उनको कोर्ट ट्राई करेगा अनलेस बर्ड तो जो फर्स्ट एसेंशियल है कि ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर इसके पीछे रहसनील क्या है कि भाई जस्टिस टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट सोशल इकोनॉमिकल पोलिटिकल राइट को मेंटेन करना इन द सोसाइटी और नेक्स्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट यू बी जस्ट ए बी रेमिडियम वेयर देर इज अ राइट देयर शेल बी रेमेडी ठीक है इस प्रिंसिपल इस डॉक्ट्राइन को भी सेटिस्फाई करना इस कानून का एक वो है उद्देश्य बर्पज ठीक है अब पॉइंट क्या था कि जो बार्ड है इसमें जो वर्ड लिखे हुए थे एक्सप्रेशली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड एक्सप्रेशली मतलब कोई रिटर्न है कोई कानून ने लिख दिया कि इस चीज़ को बार कर दो वो हो जाएगा उस मैटर पे अपना कोर्ट जो है जो रिजेक्शन यूज नहीं कर सकता उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता एम्प्लाइडली मतलब भाई जो कोर्ट है वो कानून में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है लेकिन जो कोर्ट है वो इम्प्लाइड कर रही है उस चीज़ को कि भाई ये चीज़ यहाँ पर फोल नहीं करेगी हम इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है इस मामले को सुनवाई करने के लिए ठीक है अब देखो फैमिली कोर्ट जो होती है सिविल कोर्ट ही होती हैं ठीक है और यहाँ पे मैंने इसको एज ए वैन डायग्राम से समझाया है ओल सिविल सूट एक्सेप्ट जो बार कर रखी हैं एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एक्सप्रेस मतलब जो लॉ में लिखा हुआ है वो वो, वो एक्सप्रेसड है वो उस वो भी जल्दी कानून लिख दिया कि इस चीज़ के ऊपर कोई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सकती तो वो कोर्ट की उस पर्टिकुलर कोर्ट में जाएगा इन केस ठीक है ना सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा इम्प्लाइडली मतलब लॉ में लिखा हुआ नहीं है लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या लॉ में लिखा हुआ नहीं है तो कोर्ट आप सो या सो सकते हो कि कोई चीज़ इम्प्लाइडली कोर्ट ये बोल देगी दिस इज इम्प्लाइड हम आपका नहीं लेते हम आपका ये फैसला नहीं आप, आपका मामला नहीं दर्ज करते तो इस चीज़ का रैशनल क्या है इसको डालने का इसकी इसका रैशनल यही है कि भाई दी जो नीडिड पर्सन है जो नीडी है उस पर्सन को जस्टिस नहीं मिल पाएगा अदरवाइज हर एक लोग जो अपनी जो भी मामला हुआ डायरेक्टली सिविल कोर्ट पहुँच जाएंगे तो इतने ज़्यादा केस हो जाएंगे समझ में नहीं आएगा जो एक्चुअल जो नीडी है उस तक ये जो जस्टिस है वो डिलीवर नहीं हो पाएगा ठीक है जस्टिस डिलीवरी टू द एंड यूजर विल नॉट बी एबल टू बी देयर ठीक है अब ऑल्ड सिविल सूट इसके पीछे रैशनल में भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है स्प्रिट है लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस जस्टिस वेलफेयर स्टेट ओ बी जस्ट ए बी रेमीडियम उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है ठीक है अब जो ये इंप्लाइड था एम्प्लॉइड का मतलब क्या है कि भाई कोई इलीगल गुड्स के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं दैट इज़ ऑलरेडी एम्प्लाइड कि कोर्ट जो है उस मामले की सुनवाई कर ही नहीं सकती जैसे बिहार के अंदर दारू बैन है तो कोई दारू का मामला जी कोर्ट में लेके जा रहा है कि मैंने इसको पैसे दे दिए इसने मेरे को दारू नहीं दी तो ये ये मैटर सुनेगी नहीं क्यों क्योंकि इम्प्लाइड है क्योंकि इलीगल गुड्स है सुनवाई करेगी नहीं नेक्स्ट कोर्ट डिसाइडेड अगेंस्ट यू कि भाई कोर्ट ने पहले कोई डिसीजन दिया था और वो डिसीजन आपके अगेंस्ट आया लेकिन आपको लग रहा है कि आपको रेमेडी मिलनी चाहिए थी यू डिजर्व टू गेट समथिंग सम कम्पन्सेशन ठीक है लेकिन आपको नहीं मिला तो आपको लगता है कि आपका राइट ब्रीच हो गया है उस केस में भी कोर्ट नहीं सुनेगी ठीक है अब हम ये बोल रहे हैं कि ओल सूट ऑफ सिविल नेचर अभी सिविल नेचर क्या है हाउ वी विल प्रूव कि ये सिविल नेचर का है या नहीं है इसी के लिए सेक्शन नाइन के अंदर दो एक्सप्लेनेशन दी हुई है एक्सप्लेशन ए e को हम एक्सप्लेनिशन वन को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं पहला पार्ट हमारा ये और सेकेंड पार्ट हमारा ये फर्स्ट पार्ट कहता है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट एक्सप्लेनेशन का ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट कि भाई जो जो क्वेश्चन है जो टॉपिक है जहाँ जा, जहाँ पे जो लीगल इश्यू उठा हुआ है वो क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है दैट इज़ डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी हो या फिर ऑफिस हो प्रॉपर्टी मतलब हर एक तरह की प्रॉपर्टी का कोई भी डिस्प्यूट हो या किसी तरह की ऑफिस का कोई डिस्प्यूट हो उन सभी को सिविल नेचर के अंदर माना जाएगा नेक्स्ट यदि वो प्रॉपर्टी और सिविल ऑफिस से रिलेटेड वो सिविल मैटर है और वो बेशक वो रिलीजियस मैटर से रिलेटेड है मतलब रिलीजियस नेचर का है लेकिन रिलेटेड है प्रॉपर्टी और ऑफिस से मतलब कोई रिलीजियस मैटर रिलेटेड है ऑफिस और प्रॉपर्टी से तब उस केस में भी वो सिविल नेचर का माना जाएगा तो किस केस में ये रिलीजियस नेचर नहीं माना जाएगा सिविल मैटर जहाँ पर लास्ट में लिख रखा है लास्ट में कि भाई दी वो प्योरली रिलीजियस राइट है उस केस में वो सिविल कोर्ट के जो सिविल नेचर है इसके एमबिट से आउट हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आउट और लिख लेना एम्बिट से आउट हो जाएगा ठीक है अब ये तो क्या हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन का पार्ट वन पार्ट टू अब दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन नंबर टू इट सेज कि भाई जो ऑफिस था हमारा उस ऑफिस में कोई डिस्प्यूट था ऑफिस में चाहे इट इज़ इम क्या या तो उस ऑफिस से कोई बंदा फीस मतलब कुछ पैसे रेमोरेशन इफ ई इज गेटिंग इट इज इम या फिर किसी प्लेस के बारे में हो मतलब प्लेस असाइन किया गया हो किया हो या ना हो मतलब या तो उसको पैसे मिल रहे हों या ना मिलते हों इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इट इज़ एम यदि ऑफिस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो भी सिविल नेचर में आएगा ठीक है अब सारा रिकैप सेक्शन नाइन दो एसेंशियल ऑल सिविल सूट कुछ बार्ड हैं ऑल के अंदर कुछ बार कर दिया बार क्या कर दिया एक्सप्रेसली जो लिखा हुआ लो में इम्प्लाइडली जो लिखा हुआ नहीं है अभी ऑल सूट कौन ऑल सिविल सूट जो ऑफ सिविल नेचर होंगी जो सिविल नेचर को कौन डिफाइन करेगा एक्सप्लेनेशन वन वो कहता है कि प्रॉपर्टी और ऑफिस यदि प्योरली रिलीजियस है तो आउट हो जाएंगे अदरवाइज प्रॉपर्टी और ऑफिस का जो भी डिस्प्यूट होगा इवन इफ दे आर रिलेटेड टू रिलीजियस देन दे शैल बी फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ सिविल नेचर नेक्स्ट इवन इफ द ऑफिस इज रिलेटेड टू एनी फीस और प्लेस और एनी थिंग है या नहीं हो इम मटीरियल फीस मिल रही है नहीं मिल रही इम है कि वो सिविल के अंदर आएगा ही आएगा ये हो गया हमारा रिव कैप ठीक है तो इस रिलेटेड हम केस क्यों देखते हैं पहला केस धोला भाई वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश नाइनटीन सिक्सटी नाइन का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है एज फार एज एक्सक्लूजन ऑफ जो की कोर्ट कोर्ट ये कह रही है कि हम इस मामले में हमारा जो जुरिस्टिक्शन ही नहीं है एक्सक्लूड कर रही है कोर्ट मामले को सुनने से बच रही है उस केस के बारे में रेफर करते हुए कह रहे हैं इट इज़ टू बी इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट वेरी स्ट्रिक्टली कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेगी क्या सच में ये आपके लिखा आपके दायरे से बाहर जा रहा है केस ठीक है सच मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करेगी स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशन होगा और द कोर्ट शुड हैव एवरी एंडेवर टू पुट द मैटर विद इन द जुरिस्टिक्शन मतलब क्या है कि भाई जैसे ये जुरिस्टिक्शन है कोर्ट का तो कोर्ट बचना चाहेगी कि हम कोर्ट इस इस रिज्रिक्शन से बाहर निकल जाएं और कह दें कि हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि कोर्ट जो ट्राई करेगी कि वो इस एम्बिट के अंदर ही रहें मतलब कोर्ट हमेशा ट्राई करेगा कि वो चाहे मैक्सिमम वो सी जो कोशिश रहेगी इंक्लिनेशन रहेगा वो ये रहेगा कि हम जिस में आएँ हम इस मामले को सुनवाई करें ताकि जस्टिस को डिलीवरी कर पाएँ ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि कोर्ट जो है इंक्लूजन की तरफ बढ़ेगी ना कि एक्सक्लूजन की तरफ दे शुड हैव एवरी टू पुट द मैटर विद इन द जुरिस्टिक्शन नेक्स्ट यदि कोई ऐसा ट्राइब्यूनल गठित हो चुका है ऑलरेडी और एक सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है मतलब ट्राइब्यूनल ऑलरेडी है और सिविल कोर्ट भी है ट्राइब्यूनल की जो पावर है वो सिविल कोर्ट के बराबर हैं उस केस में आप अपने सिविल कोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शन को एक्सक्लूड कर सकते हो तो आप कह सकते हो कि आप हमसे दूर आ, आप हमारे पास मत आइए आप पहले ट्रिब्यूनल के पास जाइए तो उस केस में आप बच सकते हो आप मतलब एक्सक्लूड कर सकते हो जो रजिस्ट्रिक्शन को अदरवाइज आप ट्राई करोगे कि आप उस मामले की सुनवाई करो ठीक है ये हो गया हमारा फर्स्ट केस और इसमें आप एक लाइन और एड कर देना कि ट्राइबूनल जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो होता है नैरो लेकिन जो सिविल कोर्ट होता है उसका जो रिस्ट्रिक्शन होता है वह ज़रा वाइड सो कोर्ट कैन कैनॉट कंपेल पीपल टू गो टू द ट्राइब्यूनल ठीक है यदि वो टर्मिनल के पास पावर कम है तो यदि बराबर है तो क्या देगा कि आप टर्मिनल के पास जाइए आप दे आर ऑल दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू डिलीवर यू द जस्टिस नेक्स्ट केस द्वारका प्रसाद अग्रवाल वर्सेज रमेश चंद्र अग्रवाल दो का ये केस है इस केस में भी मोरोलेस सुप्रीम कोर्ट ने वही स्टेट किया एक बार पढ़ते हैं क्या बोला ए प्रोविजन ऑफ लॉ सिकिंग टू बार जो ऑफ सिविल कोर्ट रिक्वायर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन मतलब यदि कोर्ट यदि कोई कोर्ट ये कह रही है कि भाई हमारा जो जुरिस्डिक्शन वो बार्ड है हम फैसला नहीं सुना सकते हम मैटर को मतलब एंटरटेन नहीं करेंगे उस केस में जो आपका इंटरप्रटेशन होगा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगा ठीक है द कोर्ट वुड नॉर्मली लीन इन फेवर ऑफ कंस्ट्रक्शन विच वुड अप होल्ड रिटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट मतलब वो ट्राई करेगी कि हम उस जोशन के अंदर आए ठीक है यदि वो जोरिस्डिक्शन से बाहर जा रही हैं तब उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगा ठीक है नेक्स्ट इज द थर्ड केस रमेश वर्सेस एसएच मिर्जा 2010 का ये केस है इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम इसी टाइप की गाइडलाइंस दी लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट क्या था कि भाई एन एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन इज नॉट टू बी इजीली इन्फर्ड इवन इफ ए स्टैच्यूट ग्रांट फाइनेलिटी टू द ऑर्डर ऑफ ए ट्राइब्यूनल इट हैज टू बी सीन वैद द ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू ग्रांट रिलीफ विच इज नॉर्मली ग्रांटेड बाई द सिविल कोर्ट मतलब क्या कि भाई सिविल कोर्ट जो नॉर्मली कोई भी ग्रांट कर सकती है सी सी मतलब सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट जो है ओ टी सी मतलब ट्राइबूनल कोर्ट एक ट्राइबुनल कोर्ट एक है एक सी है सिविल कोर्ट है सिविल कोर्ट जो है किसी भी मैटर जो दोनों सुन सकते हैं ये, ये भी सुन सकती है ये भी सुन सकती है लेकिन जो रिलीफ देने की जो पावर है वो इसके पास नहीं है उस केस में सिविल कोर्ट जो है इससे एक्सक्लूड नहीं कर सकती अपने आप अपना जो रिडिक्शन उसको सुनना पड़ेगा ठीक है मतलब क्या यदि ट्राइबुनल पावर ट्राइबुनल कोर्ट की पावर कम है विद रिस्पेक्ट टू सिविल कोर्ट इन दैट केस सिविल कोर्ट मस्ट इंक्लूड इट्स जुरिस्डिक्शन दे शुड नॉट एक्सक्लूड इट्स जुरिस्डिक्शन इस केस में यही था ठीक है अब हमारे केस लो का केस मैट का फर्स्ट लो है केस नंबर वन गुंडा सत गुंडाजी सतवाजी सिंधे वर्सेज रामचंद्र चंद्र बिकाजी जोशी 1979 का ये केस है इस केस के फैक्ट ऐसे हैं इसमें जो गुंडाजी हैं ये प्रॉपर्टी खरीदने वाला है रामचंद्र प्रॉपर्टी बेचने वाला है ये वो प्रॉपर्टी है जो रामचंद्र की है ठीक है आर सी बी मतलब रामचंद्र बिका जोशी आर सी बी बोल देंगे ठीक है या फिर राम बोल देंगे एक राम है गुंडा है प्रॉपर्टी है राम की गुंडे को खरीदनी है और जो लैंड टोटल है सेवन फोर्टी फाइव एकड़ जो लैंड है और उन्होंने डील किया कि हम बयालीस हज़ार रुपये देंगे आपको मतलब किसने बोला गुंडा जी गुंडे ने राम को बोला कि बयालीस हज़ार रुपये दूँगा आप मेरे को ये प्रॉपर्टी दे देना और इस बयालीस हज़ार की एग्रीमेंट को कराने के लिए इसने पाँच हूपये एक्स्ट्रा मतलब इनिशियल अमाउंट दे दिया फिर कुछ टाइम के बाद पाँच हज़ार रुपये और दे दिए तो टोटल इसने दस हज़ार रुपये ही हैज़ पेड टू राम गुंडे ने राम को दस हज़ार रुपये दे दिए उस लैंड को खरीदने के लिए लेकिन राम ने अपनी लैंड का पोजिशन उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जब ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो ओबीसी बात है वो कोर्ट में जाएगा तो गुंडा पहुँच गया सिविल कोर्ट में और ये बॉम्बे का केस है ठीक है वो सीसी के पास पहुंच गए सिविल कोर्ट में तब सिविल कोर्ट क्या बोलती है सिविल कोर्ट बोलती है कि भाई जो ये मामला है इसमें जो ये बेचने वाला राम है राम बोलता है सिविल कोर्ट के सामने कि भाई जो बॉम्बे टिनेंसी एक्ट है बी टी ए बॉम्बे टिनेंसी एक्ट ये बोलता है कि लैंड जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर जो आदमी है मतलब जो किसान है वही खरीद सकता है एग्रीकल्चरिस्ट जो खेती बाड़ी करता है सिर्फ वही लाइबल है ख़रीदने के लिए क्योंकि गुंडा जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है इसलिए मैं लाइबल नहीं हूँ इसको ये ट्रांसफ़र करने के लेकिन गुंडा बोलता है कि मैं तो एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और ये अपना एक प्रूफ दिखाता है लेकिन सिविल कोर्ट उसको मानने से मना कर देती है अब जो हमारी सिविल कोर्ट है जिसको बोल सकते हो ट्रायल कोर्ट ट्रायल कोर्ट कहती है कि भाई एग्रीकल्चरिस्ट जो है ये बंदा दिस इज़ ए फेक डॉक्यूमेंट इसको मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि जो उसका फर्स्ट जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर केस का वो केस का ये है कि हमें एग्रीमेंट दिखाना है कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटरटेन हो रहा है नहीं हो रहा उसका फुलफिलमेंट हो रहा है ही नहीं हो रहा तब उस केस में सिविल कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने बोला कि भाई जो ये एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है हमें उससे ये सेकेंडरी या सब्सिडरी मैटर है फर्स्ट प्राइमरी मैटर क्या है कि क्या ये क्या ये लैंड इसको मिल सकती नहीं मिल सकती उसने बताया कि भाई एग्रीकल्चरिस्ट होना इसके इसका सब्सिडरी है क्योंकि ये सब्सिडरी है इसीलिए जो ये पॉइंट क्या बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होने के कारण इसको लैंड ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी तो इसके आराम के हक में फ़ैसला सुना दिया ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते ही गुंडा जी पहुँचते हैं किसके पास हाई कोर्ट के पास बॉम्बे हाई कोर्ट के पास बॉम्बे हाई कोर्ट भी ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ ट्रायल कोर्ट गिव इट्स वर्डक्ट एंड स्टेटेड दैट कि भाई बिल्कुल कि ही जो ये एग्रीकल्चरिस्ट लैंड जो है ये जो एग्रीकल्चरिस्ट जो ये बोल रहा था कि गुंडा जी मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ इसको उन्होंने नहीं माना इन्होंने भी सिर्फ वही uh, उस एग्रीमेंट को महत्व देते हुए इन्होंने बोला कि भाई एग्रीकल्चरिस्ट के लिए तो ट्राइबिनल हमारा गठित है ठीक है अब इसका एक सेक्शन था बॉम्बे टेनेंसी एक्ट का मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि हाई कोर्ट जो स्टेटमेंट थी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट टीसी दिस इज ट्रायल कोर्ट नॉट ट्राइब्यूनल कोर्ट दिस इज सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक ये वर्डिक दिया कि भाई क्योंकि ये एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है इसलिए इसको लैंड ट्रांसफर नहीं की जाएगी इन्होंने इसके खिलाफ ऐसा सुनाया लास्ट में ये एस एल पी स्पेशल पिटीशन के थ्रू ही रीचेज टू द सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी इस मैटर को अब यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ट्रायल कोर्ट और सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी हैं है हमारी इन्होंने अगेंस्ट में फैसला सुनाया गुंडा जी के अब गुंडा जी पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अब देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या कैसे कैसे आर्गूमेंट चलती हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी पॉइंट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस इस पॉइंट को बॉम्बे टेनेंसी एक्ट को ध्यान में रखती है उसको रीड करती है उसमें सेक्शन एटी फाइव से क्लोज टू सेज नो कोर्ट ऑफ मामलतदार द ट्राइबूनल कलेक्टर ऑफ महाराष्ट्र और दिस सेल क्वेश्चन इन एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट मतलब क्या कि भाई वो एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा 85 फाइव से इज नो सिविल कोर्ट हैव टू सेटल डिसाइड और डील विद एनी क्वेश्चन वैदर ए पर्सन इज और वॉज एट एनी टाइम इन द पास्ट इज ए टीन इज और शुड बी डीम्ड टू बी purchased from his landlord the land held by him which is under this act required to be settled decided or dealt with the mamlatadar or tribunal or a manager or a collector or the magistra revenue tribunal in appeal or revision of the state government in exercise of the power of the control ठीक है तो मतलब क्या कि भाई किसी भी सिविल कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है मतलब एक्सप्रेसली बार कर दिया ठीक है जो हमारा था ना सेक्शन 9 सेक्शन 9 में ऑल सिविल मैटर शुड बी डेल्ट बाय दिव सिविल कोर्ट लेकिन एक्सेप्ट बार्ड बाय द लो इम्प्लाइडली बार्ड हो सकते हैं और एक्सप्रेसली तो यहाँ पे एक्सप्रेसली बार्ड कर दिया सिविल कोर्ट को जरूरीशन सुनाने में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि भाई जो ये सेक्शन 85 फाइव क्लोज टू इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि, कि किसी भी सिविल कोर्ट के पास इस मामले को सुनवाई करने की पावर नहीं है जो भी माम, मामलता दार या फिर कलेक्टर की जो कोर्ट होगी उस कोर्ट वही डिसाइड करेगी कौन एग्रीकल्चरिस्ट होगा और कौन एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होगा जो ये पॉइंट था जो इनका मेन कंटेंशन था अब उस उस स्लाइड पर चलते हैं एक बार कि भई ये एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं ये एक सब्सिडरी क्वेश्चन नहीं है दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये बोला कि दिस इज़ नॉट ए सब्सिडरी पॉइंट कि ये किसान है, है या नहीं है उसके बाद हम एग्रीमेंट के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं नो यू बोथ दीज आर टू पैरल थिंग्स पैरल थिंग्स मतलब क्या कि भाई जो ये बंदा एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं ये क्वेश्चन और दूसरा एग्रीमेंट ये कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हाई कोर्ट और जो ट्रायल कोर्ट उन्होंने क्या बोला कि एग्रीमेंट को ही हम प्रेफर करेंगे एग्रीकल्चरिस्ट हमसे हमें कोई मतलब नहीं है हम है ये है या नहीं है हम उस उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे वो एक सब्सिडरी है ध्यान देंगे लेकिन वो सब्सिडरी क्वेश्चन है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बोथ आर इंडिपेंडेंट टू इच अदर एंड बोथ आर पैरल इसीलिए ये एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है हु विल डिसाइड ओनली दी बॉम्बे टेनेंसी एक्ट एटी सेक्शन एटी एटी फाइव क्लोज वन सेज़ कि भाई जो मामलता कोर्ट है या फिर कलेक्टर की कोर्ट है दैट विल सर्टिफाई कि ये बंदा एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है यदि वो वहाँ पे उसको एग्रीकल्चरिस्ट नहीं मानते तो वो उसी ट्राइब्यूनल के अंदर अपील करेगा सिविल कोर्ट हैव नो जो उनको बार कर रखा है ठीक है तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुंडे जी के फ्ख्स में फैसला सुनाते हुए उनको बोल दिया कि हाँ गुंडा जी एग्रीकल्चरिस्ट अब इसके इसको ट्रांसफर की जाए बाकी प्रॉपर्टी ठीक है सो दिस वाज जजमेंट ऑफ दिस सो सेक्शन नाइन इज कंप्लीटेड वी हैव सीन फोर केसेज एंड हाउ दिस केसेस टू बी डेल्ट विद सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू